नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। हेलो, गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार सीएमएस फिर सर्वधर्म संभव की अलख जगाने वाली। हमारे साथ इस बात को लेकर चर्चा करने के लिए मौजूद है जगदीश गांधी जी। सर, सर्वधर्म संभव को लेकर किस तरह की अलख जगाने की प्रयास है, क्योंकि हर बार परेड तो निकाली जाती है, क्या संदेश इस बार देने की कोशिश? इस बार हमारा संदेश सबसे अलग है। इस बार ये है कि जो हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत बढ़ते जा रहे हैं सारे समाज में और विभिन्न धर्मों में भी बढ़ रहे हैं, तो ये इसलिए हमने यहाँ की सोचा कि इस बार ऐसा संदेश दें कि ये जो झगड़े हैं ये ख़त्म हो और लोग ये रियलाइज़ करें कि अज्ञानता के कारण है। क्योंकि चाहे कहें श्री राम, चाहे कहें ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, सबका मालिक एक है, अलग अलग हैं नाम, तो नाम तो अलग अलग हैं। अब पानी कहें या वाटर कहें तो नाम तो अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही है। थीम क्या होगी? थीम यही है कि ये जो दूरियां हैं ये समाप्त होनी चाहिए और ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, तो श्री राम, सबका मालिक एक है, अलग अलग है नाम। कि किस जो ये माहौल चल रहा है इस समय हिंदू मुस्लिम जिसकी बात की जा रही, क्या कारण मानते हैं इसको? देखिए, इसके पीछे केवल अज्ञान है और कोई नहीं है। हिंदू दंगा क्यों है, बढ़ते जा रहे हैं सभी धर्मों में, आप देखें इस सब के पीछे अज्ञानता के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। केवल एक सर नहीं, केवल अज्ञानता है। ज्ञान आ जाए तो फिर झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जगदीश गांधी जी, जिन्होंने कहा फिर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में एक बार फिर सर्वधर्म संभव के अलख जगाने वाले। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक कारण नहीं है हिंदू मुस्लिम विवाद जिस तरह से लगातार चलता जा रहा है, सिर्फ कारण यही है कि अज्ञानता को बड़ा कारण जगदीश गांधी ने बताया। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।